नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गितेश और आप हैं मेरे साथ द न्यू फाउंडेशन एमएसपी। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि मैं कल से आपके साथ बुक एंड ऑथर की सीरीज लेके चल रहा हूँ, जो कि आज उसी पार्ट में अपन आगे बढ़ेंगे। आज नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं बुक एंड ऑथर का। आपको दोस्तों अगर कल का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और आज का वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कुछ लगता है कमी तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने में वो सुधार ला सकूं, आपको अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड करा सकूं एंड बहुत अच्छे से अच्छी नॉलेज दे सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब आज आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट बुक कल के बाद कौन सी होती है। तो कल के बाद नेक्स्ट बुक है दोस्तों डिकोडिंग इंडिया बाबूडोंग, जो कि लिखी है दोस्तों अश्विनी श्रीवास्तव जी ने। दोस्तों यह बुक अश्विनी श्रीवास्तव ने भारत की नौकरशाही प्रणाली के ऊपर लिखी है, जिसमें उन्होंने कई प्रकार की अच्छी चीज़ें बताई कि नौकरशाही प्रणाली कैसे और अच्छी हो सकती है और कैसे किन किन जगहों में कहाँ कहाँ कमियाँ हैं। अश्विनी श्रीवास्तव के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा दोस्तों, यह एक लेखक पत्रकार है जो अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखते रहते हैं। तो इनकी यह एक बुक है डिकोडिंग इंडिया बाबूडोंग, एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट बुक है। तो दोस्तों इसको IMP टिक करें और ध्यान रखें कि इनके लेखक अश्विनी श्रीवास्तव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बुक पढ़ेंगे दोस्तों आज अपन। तो नेक्स्ट बुक है दोस्तों क्वीन ऑफ फायर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा क्वीन ऑफ फायर किसे कहते हैं, आप बताएं दोस्तों, जल्दी से जल्दी कमेंट करें या आप कमेंट करके मुझे बताएं क्वीन ऑफ फायर किसे कहते हैं। मुझे लगता है दोस्तों 99% लोगों को पता होगा क्वीन ऑफ फायर कौन है। आप लोगों ने सभी ने बचपन से लेकर आज तक उनके बारे कभी ना कभी पढ़ा होगा, कभी ना कभी सुना होगा या मैक्सिमम टाइम सुना होगा। दोस्तों क्वीन ऑफ फायर कहते हैं झांसी की रानी मणिकर्णिका, जिसके बारे में कुछ दिनों पहले से मूवी आई थी कंगना रनौत की मणिकर्णिका, आई होप देखी हो दोस्तों, और ना भी देखी हो तो आपको उनके बारे में शुरू से ही पता है, बचपन में आपने बुक्स के स्टोरीज में या कहीं अन्य कहानियों में कथाओं में कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना है इनके बारे में। यह बुक उनकी ऊपर बेस्ड है मणिकर्णिका के जीवन पर, क्वीन ऑफ फायर मतलब झांसी की रानी की बेस्ड है। इनकी लेखिका है देविका रंगशाली जी। यह दोस्तों बहुत बड़ी उपन्यासकार इतिहासकार रहती है एंड ये बुक्स के बारे में बहुत जो नए परिदृश्य में इन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्वीन ऑफ फायर मतलब झांसी की रानी के बारे में बताया। इनकी दोस्तों और इम्पोर्टेंट बुक्स है जिसमें आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद, एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। आप देखेंगे दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बाद क्वीन ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ फायर, या फिर दोस्तों है तेनाली रामन करके इनकी इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों। तो कृपया आप इसे भी ध्यान रखें ताकि आपको याद रहे क्वीन ऑफ फायर देविका रंगशाली जी। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट बुक देखेंगे दोस्तों अपन सोली सरफ जी। आपने शायद कभी नाम सुना हो दोस्तों या ना भी सुना हो तो इनके बारे में आगे बताऊंगा। सोली सरफ जी लाइफ एंड टाइम्स, इसके लेखक है दोस्तों अभिनव चंद्रचूड़ ने ये बुक लिखी। मैं सबसे पहले अभिनव चंद्रचूड़ का परिचय देना चाहूँगा दोस्तों। अभिनव चंद्रचूड़ जी दोस्तों एडवोकेट एंड लीगल स्कॉलर है, जो एक राइटर के रूप में भी उभरते हुए नजर आएंगे आपको इस बुक में। दोस्तों सोली सरफ जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। सोली सरफ जी इंडिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो 2 बार अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ये अपने कार्यकाल में इंडिया के सेवेंथ अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। आपको अगर अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी नहीं दोस्तों तो मैं बताना चाहूँगा, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मुख्य मेन अधिकारी होता है जो सभी ओर ध्यान देता है। ठीक है दोस्तों, तो वो रह चुके हैं। और दोस्तों मैं इनके बारे में और बताना चाहूँगा कि यह अपने इंडिया के सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड मतलब पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये उन्हीं के ऊपर उनकी लाइफ के ऊपर बेस्ड एक बुक है, जो इनकी 92 बर्थ एनिवर्सरी पे इस बुक की घोषणा की गई थी अभिनव चंद्रचूड़ द्वारा। ठीक दोस्तों, अब अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात हो गई है दोस्तों, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी के करंट में अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो कौन है, आप मुझे कमेंट करके बताएं, और आप मुझे याद दिला देना कि मैं वीडियो पे नेक्स्ट में आपको एंड में आपको करंट के अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी दे दूँ। ठीक है, नेक्स्ट बुक के बारे में देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट बुक है द फाउंडर बुक है एक कंपनी के निचले से बनने से लेके सक्सेसफुल की स्टोरी पे ये बुक है।
और यह कंपनी है दोस्तों पेपल। आपने शायद दोस्तों कभी नाम सुना हो पेपल का, तो बहुत अच्छी बात, ना सुना हो तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको। पेपल दोस्तों जैसे ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट की एक कंपनी है, जैसे आपका आज के वक्त में फोन पे, पेटीएम, भीम, भारत पे जैसी कंपनी, जैसे जो कंपनियां हैं उनके बराबर ये कंपनी जो पेपल है, इन्होंने इस बुक में पेपल कंपनी का पूरा शुरू से लेके आखिरी तक जो सक्सेस स्टेप वो चढ़े हैं, कैसा उनका स्ट्रगल का डे रहा था, कैसे उनकी मेहनत हुई, कैसे फाउंडर्स जुड़े, किस किस तरह की मेहनत होती है। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप खुद की अपनी कंपनी खड़ी करना चाहते हैं दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये आपको एक अपना वो बुक अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेगी, जो पेपल के फाउंडर्स हैं उनका एक्सपीरियंस शेयर करेगी कि आपको किस क्षेत्रों में ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, किन क्षेत्रों में नहीं करना चाहिए, या कौन से क्षेत्र आपके आज हाईएस्ट मतलब उच्चतम क्षेत्र में आपको काम करना चाहिए, या बुक आपको बताएगी दोस्तों। तो पेपल कंपनी के ऊपर बेस्ड है, इसके लेखक है दोस्तों जिम्मी सोनी जी। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा पेपल आने वाली $70 मिलियन यूएस डॉलर, जो कि आपको पता होगा आज यूएस डॉलर की कीमत ₹80 पार कर गई है, तो वही $70 मिलियन की से अधिक की कंपनी ये है और सफल कंपनी है। ये बुक को मेरे अकॉर्डिंग आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आपको कभी ना कभी जीवन में खुद का कुछ व्यवसाय करना है, खुद किसी चीज को लेकर मोटिवेट होना चाहिए, तो आपको जरूर ये बुक पढ़नी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट बुक देखेंगे दोस्तों तो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। दोस्तों यह बुक है बिल गेट्स ने, मुझे नहीं लगता दोस्तों कि अगर आपको मुझे बिल गेट का परिचय कराना चाहिए, सभी लोगों को पता होगा, ऑलमोस्ट 99% लोगों को बिल गेट्स के बारे में पता होगा। बिल गेट्स कौन है? बिल गेट्स दोस्तों दुनिया के अरबपतियों में अपना नाम रखते हैं, और इनके बारे में मुझे नहीं लगता और कुछ ज़्यादा बतानी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी दूँ दोस्तों। ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है, पहली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी बिल गेट्स की आई थी, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो आप अपने लैपटॉप पीसीज में यूज़ करते हो दोस्तों, वहाँ पर ये वर्क करती है। तो ये कंपनी बिल गेट्स की है, दुनिया के अरबपतियों में नाम है, और इनका बहुत सारा बहुत अलग अलग फाउंडेशन चलते हैं, बहुत क्षेत्रों में ये दान वगैरह भी देते रहते हैं दोस्तों। तो आप ये बुक भी कभी पढ़े ये दोस्तों। इस बुक में उन्होंने दोस्तों कोविड-19 महामारी आई थी उसके बाद ये बुक लिखी हुई, कोविड के को देखते हुए उन्होंने बताया कि आगे भविष्य में अगर एक परेशानी आए तो हमें उसके लिए पहले से ही सतर्क होना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इस बुक में इन्होंने अपने जो उन्हें सही लगता वो चीज़ें इस बुक में उन्होंने प्रोवाइड की हैं। तो कृपया ये बुक, अगर नाम देखा जाए बिलगेट के अकॉर्डिंग, बिलगेट्स का अगर नाम आता है तो ये बुक अपने आप इम्पॉर्टेंट बन जाती है। तो कृपया आप ध्यान रखें इस बुक का, ये बुक ज़रूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा। अगर बिलगेट्स का अगर नाम आया तो आपको पता होनी चाहिए कि अभी रिसेंटली उनकी लिखी हुई बुक कौन सी है। रिसेंटली लिखी हुई बुक कहेगी हाउ टू प्रिवेंट टू नेक्स्ट पेंडेमिक, ये बुक आपको याद होनी चाहिए। बिलगेट्स का नाम आता है इसीलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बुक आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों। अगर दोस्तों आप इंडिया में रह के अगर इन्हें नहीं जानते तो आप किन्हें जानते दोस्तों? मैं दोस्तों इनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ दोस्तों। अभी अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आप सभी लोग जानते हो दोस्तों, मुझे नहीं लगता ज़्यादा इनका इंट्रोडक्शन देना चाहिए। इनके ऊपर बेस्ड बुक लिख रही है सागरिका घोष जी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के कई पहलुओं को दर्शाती है। यह बुक उनकी जीवनी पे बेस्ड है टोटली, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं सागरी घोष का परिचय देना चाहूँगा दोस्तों। इनकी और भी कई बुक है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बुक है इंदिरा द भारत की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री। यह एक महिला सशक्तिकरण को यह बुक दर्शाती है, जो कि सागरिका घोष जी ने लिखी है, ठीक दोस्तों। तो आज की बुक भी दोस्तों ये 6-6 बुक कंप्लीट होगी दोस्तों। इसके आगे आप लोग कल वीडियो देखेंगे, कल आप नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों सारी ये जानकारी अगर आपको मेरे द्वारा अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और सभी के काम में आए। थैंक यू दोस्तों।